बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? सो आज की वीडियो में मैं आँखों के बारे में बताऊंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आँखों को कैसे आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हो एंड क्या क्या डिफरेंशिएट होता है वो सब कुछ बताऊंगी, एंड डिफरेंट एंगल में आप लोग उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो वो भी दिखाऊंगी, एंड शेडिंग भी कर दूँगी, थोड़ा टिप्स भी दे दूँगी। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ जाकर लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। So yeah, without any delay, let's start the video. सो मैं इधर चार तरह की आईज को ड्रॉ करने वाली हूँ। तो पहले वाला है आमंड, सेकेंड वन इज अपटर्न, थर्ड वन इज हुडेड एंड फोर्थ वन इज राउंड। तो ये चारों शेप का मेनली आईज होता है, तो मैं फर्स्ट इसके लिए राउंड ड्रॉ कर रही हूँ जो होगा आई बॉल। एंड उसके बाद मैंने आई बॉल के बीच से, मतलब राउंड के बीच से ही डिफरेंट एंगल में लाइन खींच लिया है एकदम बीच से। एंड मेरा जो आई है, मैं राइट वाला आई ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसलिए आई कॉर्नर्स एकदम लेफ्ट में है। एंड अभी मैं आई लिड को ड्रॉ कर रही हूँ डिफरेंट शेप में, जो शेप होता है मेनली वो शेप ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे सर्कल करके लाइन खींच के आपको आई ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी एंड मेजरमेंट भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो आई थिंक ये आप लोगों को अच्छा लगेगा ड्रॉ करके एंड इजी होगा आप लोगों के लिए भी। सो मेनली ये चार शेप होता है आईज़ का, सो मैंने ये दिखाया है आप लोगों को, तो ये मेरा शेडिंग है एंड या दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड अभी मैं आप लोगों को डिफरेंट एंगल में आईज कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने पहले एक फिर से सर्कल ड्रॉ कर लिया है। एंड अभी मैं एक साइड फेस का आई ड्रॉ करने वाली हूँ, तो हाफ आई होगा, आप हाफ पोर्शन देख पाओगे। तो इसलिए पहले जो सर्कल है वो वाला है मेरा आई बॉल, एंड बीच से मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच लिया है एंड दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया है एकदम सर्कल के बीच से ही, जो होगा मेरा मेजरमेंट जैसे आप देख सकते हो। एंड इसके बाद मैं आई वॉल एंड क्रीज जो भी है वो ड्रॉ करके फिर शेडिंग करूँगी। एंड मेनली इसमें जो होता है आई लैशेस वो मेन होता है, क्योंकि अगर आप हाफ आई ड्रॉ कर रहे हो, मतलब साइड फेस की ड्रॉ कर रहे हो, तो आई लैशेस बहुत अच्छे से प्रोमिनेंटली आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो इसलिए मेन जो होने वाला है आई लैशेस को ड्रॉ करना। एंड या मैंने अभी आईब्रोज को भी ड्रॉ कर लिया है। एंड अभी मैं करने जा रही हूँ सेकेंड वाला, जो कि है डाउन फेस का आईज। अगर आप फेस नीचे करके रखते हो तो आईज जैसे दिखता है वो मैं ड्रॉइंग करने वाली हूँ। एंड इसके लिए भी मेरा प्रोसीजर एकदम सेम ही होने वाला है। एंड सर्कल करके ऐसे लाइन खींचने से बीच में से आपको मेजरमेंट करने में बहुत आसानी होगी, आप एंगल भी अच्छे से देख पाओगे कि आपका लीड का कितना ऊपर तक जाएगा, वो राउंड शेप क्रीज का राउंड शेप कितना आएगा, तो वो आपको मेजरमेंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। एंड थर्ड वाला मैं करने जा रही हूँ ऊपर का आईज, मतलब फेस अगर ऊपर की तरफ हो तो आईज जैसे दिखेगा वो। एंड प्रोसीड्योर इज़ सेम, बेसिकली मेन डिफरेंस यही है कि आपका जो आई बॉल है उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आपका आईज नीचे की तरफ है तो वो आई का जो लैशेस है वो एकदम प्रोमिनेंटली दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो फेस को, तो आईज नीचे की तरफ है। एंड सेम अगर आप ऑपोजिट करोगे तो वो नीचे की तरफ जो आई लैशेस है वो एकदम प्रोमिनेंट होने चाहिए एंड आपका आई वॉल ऊपर की तरफ होगा एंड हाफ दिखेगा उसके लिए। एंड अभी मैं फोर्थ वाला कर रही हूँ, जो कि है थ्री फोर्थ पार्ट ऑफ द फेस, अगर आप दिखा रहे हो तो उसमें आईज कैसे होगा। एंड ये थोड़ा एंगल करके होगा, मतलब राउंड शेप करके ड्रॉ ऐसे ही करना है, लेकिन जो आई का क्रीज है, आई लीड है, वो थोड़ा राउंडेड होगा, जिसमें आपको वो थ्री फोर्थ पार्ट लगेगा कि आप देख सकते हो आईज को। एंड ये मेरा चारों आईज ड्रॉ हो गया है, आप लोग देख सकते हो। एंड
कितना अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। एंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाके लाइक करना। थैंक यू।